वैक्सीनेशन, कोविड होना सबसे अच्छा। पीटीआई वगैरह से चेक करना है, ये नहीं पीटीआई, ये नहीं है पीटीआई, वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ उसको, ये आके गया, आके गया। हेलो, करें शुरू। पीटीआई को बोलो, मैसेज भेज दो पीटीआई को, लिंक डाल दिया। तो वही महंगाई की श्रृंखला में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन हिंदी है फिर इंग्लिश है, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद प्रश्न ले लेंगे बाद में। तो दोस्तों शुरू करें। दोस्तों आप जानते हैं कि हम महंगाई के मुद्दे को आपके सामने अलग अलग पहलुओं में प्रस्तुत कर रहे हैं, और सच्चाई ये है कि एक तरफ बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई, देखो मोदी राज में कैसे गरीबों की शामत है आई, ये हमने अलग अलग जगह भारत में और दिल्ली से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसलिए क्योंकि बहुत हुआ देश में महंगाई का कारोबार, बहुत हुआ देश में महंगाई का कारोबार, गरीबों पर अब जुल्म धाना बंद करे मोदी सरकार। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, खत्म होने की तो दूर रही बात। एक बड़ा रोचक सर्वे हुआ अभी हाल में, वो हमारे ही बड़े जाने माने जो सर्वेज होते हैं भारत के, उन्होंने किया 7 अप्रैल 2022 यानी यस्टरडे। और उस रोचक सर्वे में आप जानते हैं कल वर्ल्ड हेल्थ डे था, स्वास्थ्य दिवस, उसमें लोगों ने कहा कि हमें महंगाई और इन्फ्लेशन से ज्यादा भय है बनिस्पत कोविड से। तीन आंकड़े बड़े रोचक हैं। एक के बहुमत इस बात का है कि हमें महंगाई से ज्यादा कोई और चीज की चिंता नहीं, कोविड भी उसमें कम है। दूसरा 52% ने कहा कि अगर नया वेरिएंट भी आता है तो उसको हम झेल लेंगे, लेकिन 50% ने कहा कि हम जो आज आसमान को छू रही हैं कीमतें उनको नहीं झेल सकते। ये सर्वे कल का है। इससे आपको इन नागरिकों की त्रासदी का एहसास होता है। दूसरा रोचक आंकड़ा, ये बहुत ही हर्ष की बात होनी चाहिए कि मोदी सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, और नॉर्मली ये बधाई देने की बात होनी चाहिए, लेकिन ये नई ऊंचाइयां कौन सी हैं, ये नई उपलब्धियां कौन सी हैं मोदी सरकार द्वारा? उपलब्धि नंबर एक के अगर परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी में देखें आप, और मैं समझाऊंगा आपको पीपीपी क्या होता है, तो पीपीपी के आधार में प्रति लीटर कीमत एलपीजी में भारत सबसे ऊपर है, नंबर वन। मैं बधाई देता हूं मोदी सरकार को, भारत की उपलब्धि में नंबर वन आ गए, नंबर आ गया भारत का। जहां तक पेट्रोल का पीपीपी के आधार पर कीमत है, वो तीसरा नंबर पर पहुंचा दिया, यानी विश्व में करीब 200 देश माने जाते हैं, लगभग 180, 190, 200, उनमें नंबर तीन है पेट्रोल की कीमत में भारत। जैसा मैंने कहा ऊंचाइयों की बाहर हो गई है, और डीजल में दुनिया का 8वां सबसे कीमती देश है, नंबर एक, नंबर तीन, नंबर आठ, जबरदस्त ऊंचाइयां हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आपके साथ कुछ हद तक दुभात और बरगलाने की प्रक्रिया हो रही थी, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट फिगर में प्राइस बताई जाती थी कि आप 120 रुपया प्रति लीटर पे करते हो, वो तो उस देश से कम है।
मैं कह सकता हूं आज के 120 रुपए प्रति लीटर बांग्लादेश से कम है, मैं ऐसे कह रहा हूं उदाहरण की वजह से कह रहा हूं, या पाकिस्तान से कम है, ये गलत है। आपको लेना पड़ता है वो कीमत जिसको एक अर्थशास्त्री कहते हैं पीपीपी डॉलर कीमत, यानी रुपये का वो भाव जिससे कितना आप खरीद सकते हैं उस रुपये से, और उसकी तुलना करेंगे डॉलर के उस भाव से जिससे बास्केट ऑफ गुड्स आप डॉलर से खरीद सकते हैं, और फिर उनको दोनों को बराबर करना, इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इस इंटरनेशनल डॉलर या पीपीपी कीमत पे पेट्रोल आप जो मैंने बताया तीसरे स्थान पे है, हमारा कीमत भारत में 5.2 डॉलर है, वो नॉर्मल डॉलर नहीं, 5.2 डॉलर पीपीपी आधार पे प्रति लीटर, और ये तीसरा सबसे कीमती देश है सूडान के बाद और लाओस के बाद, और हमारे तीसरे स्थान के बाद चौथा स्थान किसका है, अल्बेनिया। बल्कि अल्बेनिया और भारत के अलावा तो किसी का 5 डॉलर से ज्यादा है ही नहीं, सूडान और लाओस तो खैर ज्यादा हैं, बाकी सब 5 से कम है। इसी अंतर्राष्ट्रीय डॉलर यानी पीपीपी के आधार पर एलपीजी, जिसमें हम नंबर 1 हैं, उसमें 54 देशों की सर्वे हुआ, और हमारा है इस अंतर्राष्ट्रीय पीपीपी डॉलर के आधार पर 3.5 डॉलर प्रति लीटर, ये सबसे महंगा दुनिया भर में। हमारे पीछे हैं टर्की, फिजी, मोल्डोवा, यूक्रेन भी हमारे से ज़्यादा सस्ता है, इत्यादि इत्यादि। और डीजल जिसमें हम 8वें स्थान पे हैं 156 देशों में, वहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय डॉलर पीपीपी के आधार पे हमारा प्रति लीटर 4.6 डॉलर है, 8वां नंबर। हमारे से बेहतर है, सॉरी हमसे ऊपर है, यानी हमसे ज़्यादा ख़राब है सूडान, अल्बेनिया, टर्की, म्यांमार, जॉर्जिया, भूटान और लाओस। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे देशों, छोटे छोटे देश, बाकी सबसे ज़्यादा ख़राब हम हैं। तो ये कोई आम आंकड़े नहीं हैं, ये भयानक आंकड़े हैं, ये आपको डरा देने वाली चीज़ें हैं। आज, ये मैं कल परसों की बात कर रहा था, आज माननीय आरबीआई के गवर्नर दास साहब ने खुद ने ट्वीट किया, और मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको तैयार करने के लिए, साइकोलॉजिकली तैयार करने के लिए शुरू हो गई हैं। जैसे धीरे धीरे आपको एक दुष्प्रभाव आने वाला है उसके लिए आगाह पहले से ही चेतावनी देनी हो, उसका प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने आज कहा कि हमने 4.5% इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, यानी 22-23 जो चल रहा है। आज उन्होंने कहा कि इसको आप 5.7 मान लीजिए। सोचिए, खुद देश का आरबीआई जो कम फिगर बताता है, जो कंजर्वेटिव होता है, वो 4.5 से 5.7 पहुंच गया, आपको धीरे धीरे ये चीज़ सच बताने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी कई कीमतें अभी निकट भविष्य में ऊपर ही रहेंगी, ऊंची ही रहेंगी। अब आपको बहाने बनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, द्वेष। तो भाई, देश में 180 देश हैं, विश्व में 180 देश हैं, उनमें इतनी प्राइसेस का फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? सब यहीं क्यों फ़र्क पड़ रहा है भारत में? अब मैं आता हूं आपको कुछ और आम आंकड़े देने के लिए। अच्छा, ये तब हुआ है जब हाल में हमारे क्रूड ऑयल की कीमत 112 यूएस डॉलर प्रति बैरल से होकर 97.5 यानी 97.5 डॉलर प्रति बैरल हुई है। एक तरफ गिराव, एक तरफ आपका पॉकेट बड़ा होना, और दूसरी तरफ बढ़ाव। यहाँ गिर रहा है, यहाँ से आप पॉकेट में डाल रहे हो, और यहाँ आप आम आदमी को क्रश कर रहे हो, कीमतें बढ़ा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्फ्लेशन की अब बात कर रहे हैं,
आजकल मजाक ये होती है कि आज की ताज़ा खबर कभी छापनी हो तो कह सकते हैं कि आज पहला दिन निकला है जिस दिन कीमत नहीं बढ़ी। कीमत नहीं बढ़ी ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। 16 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ाई गई है। पिछले 16 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ गया है। 26 लाख करोड़, मैं आपको बहुत कम आंकड़े दे रहा हूं लेकिन कुछ आवश्यक हैं, 26 लाख करोड़ रुपये 8 साल मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, जिसके कारण वो पेट्रोल और डीजल से रुपया कमाते हैं, उससे 26 लाख करोड़ कमाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ड्यूटी लगाई है एल्यूमिनियम के ऊपर, और ये जितने नाम लिए मैंने ये एल्यूमिनियम पे बहुत बड़ी मात्रा पे आधारित हैं। 30% अगर आप ड्यूटी बढ़ाओगे तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ों पे कितना फ़र्क पड़ेगा। एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी बल्ब, कहीं 15% बढ़ोतरी हुई है, कहीं 25 हुई है, कहीं 30% हुई है। मोबाइल भी आज मध्यम वर्ग इनके बिना काम नहीं चला सकता। आज सच्चाई ये है कि मोदी सरकार बेशरम हो गई है, उसको आँख की शर्म, जनता की शर्म, देश के किसी भाग की शर्म हट गई है। 8 महीनों का चरम सीमा है 6% की इन्फ्लेशन रेट रिटेल लेवल पे, रिटेल स्तर पे 13.11% है होलसेल स्तर पे, 6.07 और 13.11 होलसेल पे। आज खाद्य पदार्थों की आप बात करें तो सितंबर के पहले लगभग 6.8% ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, 6.8। अभी 14 महीनों की सीमा है 5.43 ऑलरेडी, अभी जब मैं बोल रहा हूं आपको 5.43 14 महीना हाई है खाद्य पदार्थों में, और इसको सभी अर्थशास्त्री मानते हैं कि 6.8% सितंबर के पहले हो जाएगा। आजकल तो मिर्ची भी मुफ्त देना, जो बेचने वाला है सब्जी उसने बंद कर दिया है। मेरे को कम से कम हाल की 2 दिन पहले की प्राइस मालूम है, आलू जैसी चीज 25 रुपए प्रति किलो हो गई है, कैप्सिकम 100 रुपए हो गया है, 25 के पहले आलू 10 रुपये था, और जैसा मैंने कहा मिर्ची देने से तैयार नहीं है। बाजार में हाहाकार है, कैसे आएंगी सब्जियां, कैसे चलेगा खर्च। अब तो सब्जी वालों से देना बंद कर दिया है मुफ्त की धनिया और मिर्च, ये हालत कर दी है इस सरकार ने आपकी। और अंतिम बिंदु इंग्लिश में आपके आपको संबोधित करने से पहले वो ये है कि जो कई चीज़ें आपने ऐसी बढ़ाई हैं और विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल, जिससे कि अक्रॉस द बोर्ड परोक्ष रूप से बाकी सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक होता है सीधा मैंने इसकी कीमत बढ़ा दी, एक होता है मैंने परोक्ष रूप की चीज़ बढ़ाई जिससे सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। आज गाड़ियां, वाहन, FMCG जो मध्यम वर्ग बहुत इस्तेमाल करता है, इन सब की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि सब पास ऑन हो रही हैं कंज्यूमर को, खाद्य पदार्थ जिसमें भी इस्तेमाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक तरफ मतलब दोनों गालों पे चपत है, पेट में भी घुसा और पीठ में भी लात। एक तरफ मैंने पूरा आपको ब्यौरा दिया है व्यापक इन्फ्लेशन का, कई आंकड़े दिए अभी, दूसरी तरफ बेरोजगारी, ये कैसी डबल वहमी है। अगर महिलाओं का आप देखें तो कभी इतना ज्यादा रोजगार की रेट उनकी गिरी नहीं है। अप्रैल 21 से लेकर जून 21 में 20% जो पार्टिसिपेशन था वो हो गया है, 21 था उससे पहले, 1% मात्रा बहुत होती है लाखों में। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी महिलाओं की बहुत गिरी है। तो मैं संक्षिप्त में अंत में ये कहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि गरीबों पर जुल्म करना बंद करो मोदी सरकार। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस।
एंड वी कम टू यू विद दिस मैसेज अक्रॉस द कंट्री ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एंड द नेक्स्ट फ्यू डेज बिकॉज ऑल्दो इट माइट साउंड रेपिटेटिव देर इज नथिंग मोर देन दिस काइंड ऑफ अ किक इन द सोलर प्लेक्सस ऑफ द कॉमन मैन. मोदी सरकार्स कंटिन्यूटी कंसिस्टेंस एंड कोहेरेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू अचीविंग फिनोमिनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स ऑफ इन्फ्लेशन. बीजेपी गवर्नमेंट इज ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द कॉमन मैन इन द मिलस्टोन ऑफ थ्री थिंग्स इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड टैक्सेशन. दिस अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इज डिस्ट्रॉइंग हाउसहोल्ड्स डेसिमेटिंग बजेट्स डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट मेकिंग अ लिविंग हेल फॉर एस्पेशली द कॉमन मैन एंड द मीडियम सेक्टर द मीडियम वर्क. आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू फाइंड दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे डन जस्ट येस्टरडे दैट इज वन डे अगो फाउंड दैट पीपल ओवरवेलमिंगली सेड दैट दे फियर इन्फ्लेशन मच मोर देन कोविड. 52% said that even a new variant of COVID does not scare us as much as inflation does. 49.3% said that the biggest fear psychosis we have is of inflation. And you can imagine that COVID is the worst kind of pandemic to have struck us in over 150 years. Three figures are important, friends. Just three figures. I must compliment the Modi Sarkar for making India achieve the heights of unprecedented heights of achievement. Truly, you, Mr. Modi, and your Sarkar have made India number one. Number one in what? We are per liter purchasing power parity, PPP cost, world's most expensive place for LPG. Number one in the world in the reverse direction for LPG cost in real terms. And this is very important. People are misled by comparing nominal prices, not real prices. Real prices are based on how much $1 can buy and how much 1 rupee can buy. On the basket of goods, the purchasing power capacity of that money. On that equivalence, India is number one as the most expensive place on planet Earth for LPG. India is again, thanks to Modi Sarkar, number three in the world as far as purchasing power parity of diesel is concerned. And finally, friends, India is the, I'm sorry, third is on petrol, my apologies, not diesel, third highest in petrol. And as far as PPP price is concerned, India is eighth highest in diesel. When you convert to purchasing power parity, the LPG price in India is number one in the reverse direction, followed by countries like Turkey, Fiji, Moldova, even Ukraine is cheaper. When you look at the price of petrol on PPP, only Sudan and Laos are worse than us. Even Albania is better than us. We are number three. In diesel, we are behind only Sudan, Albania, Turkey, Myanmar, Georgia, Bhutan and Laos. Kya deniya sthiti bana di hai Bharat ki? Friends, this is the reality of all the jumlas you hear, all the sermons you hear. Today, I gave you this yesterday's figure. Today, the RBI is already psychologically preparing you. This is nothing but psychological preparation. It is nothing but U-turn and backtracking. They had predicted an inflation rate of 4.5% for financial year 23. Today, the governor, Mr. Das, has said that we want you to revise your figures from 4.5 to 5.7% on inflation. Can you believe that? And he has added that lot of prices, including edible oil prices, will continue to remain at an elevated level. It's very easy to fool you by saying international factors beyond my control. Are those international factors not available or applicable to smaller countries in our neighborhood? To other countries around the world? Or do the international factors come and attack only India?
these kind of facile, simplistic explanations assume that you and I eat grass. They assume that we are all foolish. Friends, I have given you the survey of yesterday. I have given you the 1, 3, and 8th position. I have given you Governor Das's statement. Now just let's look at a few figures of inflation, direct and simple. I don't want to burden you with too many figures. 8-month high of retail inflation is now going on. 8 months highest, 6.07%. Wholesale price inflation is 13.11%. High in the double digit arena. The common consistent understanding of everyone is that in the coming months, retail will reach minimum 6.8% before September 2022. Already the governor has said revise it to 5.7 today, he has said. That, of course, is the average. I'm talking of retail, sir. It's a very large amount. Food prices have jumped to a 14-month high of 5.43%. As you know, food prices is a subset of the retail price index. 5.43% in 14 months. Clothing and footwear is at a 197-month high. 197 months, you can imagine, is almost 15 to 20 years. It's the highest at 8.84%. These are all aam aadmi purchases. Most important, friends, and most sad and most distressing, vegetables. As you know that your vegetable vendor has stopped giving you free mirchi also, green chilies also. Do you know that potatoes are now 25 rupees per kilogram? They were 10 rupees per kilogram. Capsicum, of course, is riding high at 100 rupees per kilogram. Nowadays, according to me, there are two pieces of news only. Today is a special day. There is no increase in petrol, diesel or LPG. That is the news. No increase is the news, not increase being the news. The norm is increase every day. The exception is no increase. As people say in a lighter vein, the other news of the day is today there was no raid on any opposition leader. Friends, 14 times petrol and diesel increased in the last 16 days. Do you know the amount of profiteering and money mopping this government has done in 8 years of Modi Sarkar by excise duty on diesel and petrol? Simple figure but astonishing figure. 26 lakh crores 8 saal mein sirf excise on petrol and diesel. And remember, the price on the left hand is going down of crude. Today it is from $112 per barrel to $97.5 per barrel. You are pocketing that decrease. You are then taxing and pocketing the tax of 26 lakh crores in 8 years. And you are increasing prices here. What a wonderful government policy. The LPG cylinder, I asked not for yesterday or 14 days or 15 days, in 8 years of Modi government, has increased by 845 rupees. 845 rupees in this 8-year period. Is the Modi Sarkar seeking revenge against our Andadatas because they stood up and did an Abhiyan and an Andolan? It seems so, because they have increased the price per DAP bag. One bag is of 50 kilograms. They've increased that price by 150 rupees per bag. That's only the increase of fertilizer. They have gone and imposed duties up to 30% on a multi-product product like aluminium. Now, aluminium is what is known as a basic product which affects the price of TV, AC, fridge, LED bulb. Today, many of these for the medium sector are not luxuries. This 30% increase in raw material of aluminium has meant 15 to 20% increase in all these items which I have said, which are the basic consumption items of the Madhyam Varg. Friends, lastly, the
indirect tax is the worst. This petrol, diesel, LPG alone is enough. You increase it, it cuts across all sectors. Take auto for example. Do you know how much increase the auto sector is facing? Not because they want it, it's based on fuel. Do you know FMCGs? Because transportation is under all every product. And the last and the most important point, perhaps it's a double whammy. As I said, it's a kick in the solar plexus and it's the kick on the back. It's a terrible double whammy. With inflation going at these figures, you are also having highest achievements or unemployment rates. How is the poor man, the ordinary man, the Madhyam Varg going to live with a double whammy, a double kick front and back of inflation unprecedented and unemployment deplorable levels? Thank you very much. Any questions you have? Any question on this first for 2 minutes? Then we go ahead. Not on inflation. So just do inflation first, then we'll come to the other question. I'm here. You have answered your own question. I mean, is it possible that you can adjourn the house? We are not going to hit you on the head and get a price decrease. We are begging you to give us the excise duty pass through. But you are not even allowing a discussion. Why? Your question is extremely important because of why. Because what I have just said will be said in the house. I would have said 80% of this in the house. And the house is the temple of democracy through which we speak to the public of India. So you are scared. You want to censor these words and discussion. That's why we have to come to you again and again across the country. We have had this system almost every day in all parts of the country, including Delhi. I can understand you don't agree with us. I can understand that you don't do anything to actually listen to the suggestion which I made. But you're not even allowing a discussion. And let me tell you something funny. Yesterday was 7th. The last day was anyway 11th. And beech mein Saturday, Sunday. For 2 days you curtailed it. Curtailed for what? For which election? For which logistical visit of the Prime Minister abroad? Only because you are scared of even discussing inflation. Forget doing something about it. That is far from you. But discussion you don't want. I condemn it. The country sees through it. And I think ye, main Hindi mein bhi bol dun ye cheez because I think Sansad ka ek mahatvapurna prashn uthaya aapne. Main samajhta hoon aapka prashn atyant mahatvapurna isliye hai kyunki Sansad ka aapne mudda uthaya hai. ये हमारे लोकतंत्र गणतंत्र का मंदिर है. आपका संसद का ये सत्र 11 तारीख को खत्म हो रहा था और वैसे भी 11 को ज़्यादा काम नहीं होता है. कल थी 7 तारीख, बीच में सैटरडे संडे है, बल्कि आज तो फ्राइडे है, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी होता. एक दिन आपने काट दिया 7 तारीख को क्योंकि आप चाहते भी नहीं हैं विचार विमर्श तक महंगाई पर. महंगाई पर कुछ ठोस कदम उठाना छोड़ दीजिए. महंगाई पर 26 लाख करोड़ आपने एक्साइज ड्यूटी 8 साल में लिया है पेट्रोल डीजल एलपीजी में, उसके बारे में 5 लाख करोड़ वापस देना छोड़ दीजिए. क्रूड की प्राइस 112 से 97 हो गई है, उसको पास ऑन करना छोड़ दीजिए. आज क्या हो रहा है? आप आदान प्रदान विचार विमर्श करने से डर रहे हो संसद में. एक दिन चल जाता संसद तो क्या होता. बल्कि मैं तो कहता हूं कि फ्राइडे का प्राइवेट मेंबर्स बिल को निरस्त करके उस दिन भी आपको महंगाई 2 दिन रखनी चाहिए थी. लेकिन आप में भय है क्योंकि सच्चाई सब जानते हैं और सच्चाई सिर्फ भय से या सत्र को निरस्त करने से छुपती नहीं है. नो वी फिनिश नाउ प्राइस. ओके नाउ वी आर गोइंग ऑन. उस सर्वे का नाम है सी वोटर फॉर IANS ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल 2022. चलिए दूसरे पे चले या? इस पे हो गया खत्म. प्राइस इज ओवर. हाँ यू आस्क योर क्वेश्चन देन विल कम. सर,
देखिए, फिर आपने एक प्रकार से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमाणित कर दिया है, शायद अनायास। अभी मैंने पिछले 20 मिनट से आपसे क्या बात की है? महंगाई। माननीय गृहमंत्री को इस पे समय नहीं मिला बोलने का, हमको उपदेश देने का समय जरूर मिल गया। हिंदी में बोलिए, अब तो हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ लोग कम बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे आप 26 लाख करोड़ का उत्तर देंगे देश को? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, आप उद्घोष करिए कि भाई ज़्यादा बोलो हिंदी में, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बेरोजगार के बारे में भी तो बोलिए कृपा करके, माननीय गृहमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इस बारे में भी तो बोलिए कि 26 लाख करोड़ का आप कुछ तो दीजिए हमको वापस, महंगाई के एक्साइज ड्यूटी के आधार पे। इस बात पे तो बोलिए कि क्यों इस देश में सिर्फ आज विभाजन की बातें होती हैं। इसलिए आप आज एक चीज पे लगे हैं, मोड़ना डिस्कशन को, घुमाना, बरगलाना, बहकाना, बाधा डालना, स्पष्ट बात नहीं होने देना, सच्चाई बाहर नहीं आने देना। आप ऐसे मुद्दे को बोलते हैं जिसपे कोई खास विवाद नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको हिंदी के विषय में, आज हमारे देश में पिछले 50 साल से हिंदी विवादित मुद्दा नहीं रहा है। कांग्रेस की नीतियों से 1960 से जो हमने तीन भाषा फार्मूला उठाया है, वो बहुत हद तक समय के साथ चला है। आपको पता है कि 60 के दशक में लैंग्वेज रायट्स, भाषा के दंगे हुआ करते थे, वो नहीं होते हैं। आप आज उकसाने की राजनीति में लगे हैं, आज आप विभाजन की राजनीति में भी लगे हैं, और जो आपकी सरकारियों समितियों ने आज 60 साल से नहीं कर पाए हिंदी के लिए, वो आपके चैनल्स अब कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था यहाँ पर, तो कई लोग दक्षिण से हों, पश्चिम से हों, पूर्व से हों, बड़े स्वाभाविक रूप से जाते थे चैनल में हमारे साथ। उस ज़माने में ओबी वैंस नहीं हुआ करती थी, और जैसे भी हिंदी बोलते थे हिंदी खुले रूप से, क्योंकि आप उनको बाध्य नहीं करते थे, उनको आप कॉन्शियस नहीं करते थे। लेकिन आपका तो एजेंडा दूसरा है, न भाषा आपका एजेंडा है, न महंगाई आपका एजेंडा है। आपका तो उत्तेजनापूर्ण वातावरण, विभाजन और राजनीतिक झगड़े। हाँ, नहीं, इनको लेट अगेन, पॉसिबली अनोइंगली एंड अनइंटेंशनली यू हैव प्रूव्ड द वैलिडिटी ऑफ माय एंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट वाज माय प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर 25 मिनट्स, 30 मिनट्स अबाउट? आई गिव यू फैक्ट्स एंड फिगर्स, शॉकिंग, स्केरी, हाउ पीपल आर मोर स्केर्ड ऑफ महंगाई एंड इन्फ्लेशन देन कोविड, how people have lost 26 lakh crores in excise duty in 8 years with not even 5 lakh crores given as a pass through during COVID, how prices have achieved, India has achieved great number one status under Modi ji on parity of first position in LPG, third position in petrol, and eighth position in diesel in the world. Amidst all this, the Honorable Home Minister has time to remind us and sermonize us about Hindi? I have already answered in Hindi. I am a great supporter of Hindi, but not of imposition, not of provocative politics, not of divisive politics. First of all, will your Hindi sermonizing solve either inflation or unemployment? No. Your object is digression, diversion, derailing. Secondly, your object is to create mutual distrust by imposition, by coercion. Today, let me tell you two things, both from personal experience and historical experience. The three-language formula of the 60s has stood the test of time. Language riots of the 60s have fortunately become a dim memory of the past. Don't conflagrate. And let me tell you, with the crores and the lakhs you've spent in decades for promotion of Hindi, far, far more has been done, for example, by the media visual channels in the last 10 years alone. In the days when there were no Obi vans, people from all south, west, east, Kashmir to Kanyakumari would go and speak
इन चैनल्स, वेदर दे न्यू हाफ हिंदी, ब्रोकन हिंदी, फुल हिंदी, इन ए नेचुरल स्पॉन्टेनियस मैनर. वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट इम्पोजिंग हिज हिंदी ऑन मी एंड आई वॉज नॉट इम्पोजिंग माई इंग्लिश ऑन हिम. दैट इज वॉट यू आर ट्राइंग टू डू. सो देयरफॉर डोंट गिव अस सर्मन्स. इधर उधर की बात तो कर, बता के काफिला लुटा कैसे. मैं क्या कह सकता हूं बताइए, ये तो बहरे कानों पे गूंगी आवाजों पे पड़ रहे हैं आपके शब्द. अरे आप तो 25% बात कर रहे हैं, 26 लाख करोड़ तो एक्साइज ड्यूटी में पे करते हैं. मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको विकास के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसमें से आप 20 लाख करोड़ रख लो, 6 लाख करोड़ तो पास थ्रू कर दो. 6 लाख करोड़ छोटी कीमत होती है क्या? छोटा फिगर होता है क्या? 8 साल में सरकार ने सिर्फ एक्साइज, और एक बड़ी रोचक बात यह है, जब मैं इसकी कीमत बढ़ाता हूं या बढ़ती है तो एक्साइज भी बढ़ता है. तो आप तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर रहे हो. 25% तो मैं कम मानता हूं जिसको आप कह रहे हैं. 26 लाख करोड़ रुपए जो मिले उसमें से आप कुछ तो दीजिए वापस. देखिए, मेरा जो ट्वीट है उसको आप पढ़िए. ओरलाइज करने में कुछ फ़ायदा नहीं है. उसमें एक शब्द, एक कॉमा, फुल स्टॉप में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है. वो कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते पुराना है. मैंने सिर्फ उसमें इतना कहा है और मैं कहना नहीं चाहता वापस, क्योंकि जो लिखित होता है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए. कि आज आवश्यकता क्षण की एक है कि जब सबसे चरम सीमा पर माननीय मोदी सरकार जीतती है या माननीय मोदी जी जीतते हैं प्रधानमंत्री उनके नाम पर, तो चरम सीमा पे भी 39% से ज़्यादा उनको वोट, 39% से ज़्यादा नहीं मिलता है कभी भी. और ये तब है जब वो बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी उत्तीर्ण परफॉर्मेंस करते हैं. इसका मतलब है कि जो बैलेंस, जो बाकी 61% वोट है, उसका अगर आप 80% वोट विभाजन न होने दें तो मोदी सरकार की पराजय निश्चित है. इसलिए हम सबका जो मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी खेमे में हैं, ये कर्तव्य बनता है कि उस वोट के विभाजन को आप न होने दें. मेरा जो ट्वीट है बस इतना है और बड़ा स्पष्ट है. बल्कि मैं तो आज इस बात से वो हूँ हर्षित कि आज ही जब वो मिलने गए थे माननीय राहुल गांधी जी शरद यादव जी से, तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, विपक्ष की एकजुटता. ये स्वाभाविक है, ये गणित है. इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि गारंटी दे दे कोई जीतने का, लेकिन कम से कम बहुत हद तक, अधिकतर मात्रा में जीतने की संभावना बढ़ जाती है. तो एकजुटता भी तो कोई सोचने की बात नहीं है. Anything else? Thank you. Thank you so much. All the best.